सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित हुई चेतना का, अवतर अवतरित तो होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए मां योगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 51वें पृष्ठ की 15वीं पंक्ति पर 28वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर उद्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को विचारणा को मंत्रों को सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके जान सके सीख सके समझ सके, तद अनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके, इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, एन आर इन आर्टिकुलेट विस्पर ड्राइव्स हर स्टेप्स ऑफ विच शी फील्स द फोर्स बट नॉट द सेंस, ए फ्यू रेयर इंटीमेशंस कम एज गाइड्स, इमेंस डिविनाइंग फ्लैशेस cleave her brain and sometimes in her hours of dream and muse the truth that she has missed looks out on her as if far off and yet within her soul। पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर हम सरल भाव की ओर आगे बढ़ते हैं। भागवत संकल्प से सृजित सृष्टि में पृथ्वी निर्मिति का उद्देश्य लक्ष्य अस्तित्व में होने का सत्य, जिसको जानने की धरती अपेक्षा रखती है, शाश्वत से निर्मित नश्वर की अभिव्यक्तिकरण विकासोन्मुख प्रक्रिया की सतत चलने वाली ईश्वर की इस कर्म भूमि पर घटित होती जाती क्रियावलियों का सत्य तथ्य समझने जानने का धरा प्रयास तो करती किंतु जान नहीं पाती है। यद्यपि शाश्वत संकल्प एको हम बहुश्याम की सिद्धि प्रयास में अचलायमान परमात्मा का सचलायमान भाग अवतरित होकर खंड खंड होकर व्यक्त होने की प्रक्रिया में बड़े शाश्वतता के अंश अचित आवरण ओढ़ लेने पर ही देश काल सीमा बद्धता को स्वीकार करके सृजित सृष्टि के कण कण में व्यक्त स्वरूपों में विद्यमान रहते हुए अभिव्यक्त लोक लोकांतरों में से एक नन्ही सी अभिव्यक्ति यह हमारी पृथ्वी है, जिसके अणु परमाणु में वे शाश्वत सचेतन अंश बाह्य आकारों में पड़े अचित आवरण को ओढ़ कर समूची विकासोन्मुख प्रक्रिया को घटित होते देख उसे जानने का प्रयास करते किंतु पड़े भारी भरकम अचित ज्ञानांधकार आवरण के रहते मात्र एक स्पष्ट अस्फुट संदिग्ध ध्वनि का संकेत जो भीतर विद्यमान शाश्वत अंश से सतत उद्भूत होता रहता उसके चरणों को विकासोन्मुख गति प्रदान करके संचालित करते रहते हैं। स्वयं के भीतर से उत्पन्न होने वाले इन शाश्वत अंशों के समूह से उद्भूत स्फुरण स्पंदन का प्रेरण तो
धरा अनुभव करती है लेकिन इसका अर्थ न लगा पाती। यह धरती अपने भीतर से उदित इन अजेय स्पंदनों से घटित ऊर्ध्व विकास क्रम प्रक्रिया की सतह पर कुछ कुछ दुर्लभ संदेश या भनक मिलती है, किंतु जाने अनजाने उसका मार्ग प्रशस्त कर जो उसका पथ प्रदर्शन तो करती ही जाती है। भागवत दिव्य विधान अंतर्गत घटित होने वाली धरती की छाती एवं गर्भ तक की समस्त विकासोन्मुख स्वस्फुरित प्रेरित विस्तृत भविष्यदर्शी दीप्तियों की कौनन सतह पर इन दिव्य स्फुरणाओं को असत अचित अज्ञान अंधकार आवरण वाले ऊंगते मस्तिष्क की जागती सोती अवस्था जो उसके पड़े आवरणों वाले मस्तिष्क की ऊंग को चीर कर सतह पर कौंधती और दिव्य दीप्तियों की क्षणिक कौंधन से मस्तिष्क ऊंघाई में कभी स्वप्न और कल्पना के क्षण में भीतर प्रवेश आए सतंश के परम सत्य को जिसे उसने सृजनारंभ में खो दिया था उसी खोए अंश सत्य के दिव्य प्रकंपन जो स्वयं उसके भीतर से ही विराजमान रहकर उद्भुत हो रहे उसके बाह्य जड़ीभूत अचित आवरण पर अपनी दृष्टि तब डालते धरा को लगता जैसे कहीं सुदूर लोक लोकांतर से आकर यह दिव्य स्पर्श उन्हें मिल रहा, किंतु परम सत्य तथ्य तो यही है वे सब उदित होने वाले दिव्य स्पंदनों का केंद्र तो स्वयं अणु परमाणु के केंद्र में ही विराजमान है। यद्यपि की सृष्टि सृजन आरंभ में अचित आवरण की चेतना भी स्वयं परमात्मा की चेतना से ही उद्भूत होकर सृजित निर्मित हुई, किंतु अज्ञात कारणों से इसने परम सत्य से संबंध नाता ही जैसे विच्छेद कर लिया, ऐसी प्रतीति होती। इसी कारण स्वयं के भीतर से चरम अभिप्सा के क्षण में उद्भुत दिव्य दीप्तियों के विकासोन्मुख प्रक्रिया संपन्न कराने वाले ये दिव्य उदित प्रकंपन भी उसे सुदूर से आते एवं विजातीय प्रतीत होते हैं। वे तब भीतर बाहर दोनों जगह से प्रतीत होते हैं। आज हम इस सारगर्भित विषय को यही विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना इन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को देखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के दुरुपथ पर हमें ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपथ पर हमारा नेतृत्व कराए। सी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।